हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ट्रेडिंग टेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द टाइप ऑफ डेरिवेटिव। जिसने ये सीरीज नहीं देखे है, आई विल रिक्वेस्ट टू गो फॉर दैट सीरीज। आपको आई ऑप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जस्ट एज अ रिकैप, देर आर फोर टाइप ऑफ डेरिवेटिव: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। एंड दोस्तों, एज आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियोज, लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, तो हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एज पर द डेफिनेशन, वॉट इज ऑप्शन? स्टॉक ऑप्शन गिव एन इन्वेस्टर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल स्टॉक एट एग्रीड अपॉन प्राइस एंड डेट। दोस्तों, डेफिनेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा। इसे मैं आपके लिए सिंप्लीफाइड कर देता हूं कि बेसिकली व्हेन यू बाय अ ऑप्शन, मींस इफ यू बाय कॉल या पुट, यू विल गेट अ राइट टू बाय अ स्टॉक बट इट इज नॉट अ ऑब्लिगेशन। मींस यू हैव अ राइट कि आप उसके स्टॉक को बाय कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी विच इज एग्रीड अपॉन डेट एंड प्राइसेस। एक्सपायरी डेट इज द एग्रीड अपॉन डेट। लेकिन जो कॉल राइटर होता है या पुट राइटर होता है, उसके लिए ऑब्लिगेशन होता है टू बाय और सेल द स्टॉक एट एग्रीड अपॉन प्राइस एंड डेट, एंड डेट इज द एक्सपायरी डेट। दोस्तों, इससे भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यूज करेंगे इंश्योरेंस का, बिकॉज ऑप्शंस वर्क लाइक अ इंश्योरेंस। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जो आपको इंश्योरेंस बेचती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कार है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस परचेज किया हुआ है, तो आपकी 10 लाख का कार का इंश्योरेंस लगभग 20,000 रुपये में हो जाता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, केवल आप 20,000 रुपये एज अ प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन आपकी कार की वैल्यू होती है वो 10 लाख रुपये होती है। कल को अगर कार चोरी हो जाती है तो आपको नई कार इंश्योरेंस कंपनी उन्हीं 20,000 रुपये में प्रोवाइड कर देती है। मीन्स आप एक तरीके से इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन की टर्म में कॉल या पुट बाय बोलेंगे। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस सेल कर रही है, तो इसे ऑप्शन की टर्म में पुट और कॉल सेल बोलेंगे। मीन्स जो आपका रिस्क है वो लिमिटेड है, आपने केवल 20,000 रुपए दिए हैं उस इंश्योरेंस को बाय करने में। मीन्स आपका जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 20,000 रुपए का हो सकता है, तो योर रिस्क इज लिमिटेड। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने आपको 20,000 में जो इंश्योरेंस बेचा है उसका रिस्क अनलिमिटेड है। सिमिलरली, जो कॉल और पुट राइटर होते हैं उनका रिस्क अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो केवल प्रीमियम अमाउंट तक लिमिटेड रहता है। पुट और कॉल बाय, आप एक प्रीमियम पे करते हैं और आप पूरे के पूरे जो लॉट होगा उसके मालिक बन जाते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं। जबकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको एक ह्यूज अमाउंट का रिस्क रहता है और जो फायदा होता है वो लिमिट होता है प्रीमियम अमाउंट तक। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से कॉल बाय, पुट बाय और कॉल सेल, पुट सेल काम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ ऑप्शन: पुट विच इज अ बेट दैट स्टॉक विल फॉल, और अ कॉल विच इज अ बेट दैट स्टॉक विल राइज। मीन्स अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि फ्यूचर में किसी स्टॉक का प्राइस अप जाएगा तो वो उसकी कॉल बाय करेगा, और अगर उसे लगता है कि स्टॉक का प्राइस आने वाले टाइम में नीचे जाएगा तो वो उसकी पुट बाय करेगा। ऑन अदर वे, अगर कोई पुट बाय कर रहा है या कॉल बाय कर रहा है तो उसको कोई पुट सेल भी कर रहा होगा या कॉल सेल कर रहा होगा। तो जो पुट और कॉल सेल करता है उसे पुट और कॉल राइटर कहते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल में समझाया वो एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह होता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम लिमिट होगा प्रीमियम तक, लेकिन जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। और जो पुट और कॉल बाय कर रहा है वो एक इंडिविजुअल की तरह है, जैसे आप और मैं इंश्योरेंस बाय करते हैं तो हम लोगों का जो मैक्सिमम लॉस होगा वो प्रीमियम तक होगा। जैसे इंश्योरेंस का हम प्रीमियम दे रहे हैं उतना, और ऑप्शन की टर्म्स में जो जिस वैल्यू पे मैं पुट और कॉल बाय कर रहा हूँ उतना ही मेरा लॉस होगा, जबकि मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप निफ्टी का पुट या कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको वो लगभग
2-3 हजार रुपए से लेके 10 हजार रुपए तक में या 15 हजार रुपए तक में मिल जाता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। लेकिन वहीं अगर आपको पुट या कॉल सेल करना है तो वो ही आपको एक लॉट सेल करने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए एज ए मार्जिन मनी पे करना पड़ेगा, जो कि हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अलाउ एन इन्वेस्टर टू स्पेकुलेट एंड यूज मेजरली फॉर द हेजिंग। मीन्स अगर कोई ट्रेडर स्पेकुलेट करने के लिए यूज करता है कि मार्केट या पर्टिकुलर कोई इंडाइसेस या स्टॉक अप या डाउन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन बाय या सेल कर सकता है। और दूसरा इसका जो यूज होता है वो हेजिंग के लिए यूज होता है। मीन्स अगर किसी ने हेजिंग, वैसे अपने आप में पूरा टॉपिक है, जस्ट आइडिया के लिए मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर किसी ने कोई फ्यूचर बाय किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का ही फ्यूचर बाय किया हुआ है, लेकिन वो पॉजिटिव ना जाके नेगेटिव जाना शुरू हो जाता है, मीन्स नीचे की तरफ निफ्टी आना शुरू हो जाता है, जो उस ट्रेडर का लॉस है वो काफी बड़ा हो सकता है, तो उसको हेज करने के लिए उसका एक पुट बाय कर लेगा या कॉल सेल कर देगा। तो उससे क्या होगा कि जो मार्केट नीचे आने से उसका जो लॉस हो रहा है फ्यूचर में, जो लॉस हो रहा है वो थोड़ा लॉस कम हो जाएगा बिकॉज उसने एक पुट और बाय कर लिया। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा तो उसके फ्यूचर का प्राइस तो कम होगा, लेकिन जो उसने पुट बाय किया हुआ है उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। जो पुट का प्राइस बढ़ेगा वो उसका एज ए प्रॉफिट होगा, और जो फ्यूचर का प्राइस कम होगा वो उसका एज ए लॉस होगा। तो दोनों का अगर सम करेंगे तो वो जो उसका जो टोटल लॉस होगा वो कम हो जाएगा बिकॉज उसने पुट के थ्रू उसकी हेजिंग की है या कॉल सेल करके हेजिंग की है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे पुट और कॉल का ट्रेड कैसे करते हैं। मीन्स अगर कोई ट्रेडर बियरिश है तो वो क्या करेगा, उसका पुट बाय कर लेगा। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि मार्केट अगर लगता है ट्रेडर को नीचे आएगा तो वो उसका पुट बाय कर लेगा या कॉल सेल कर देगा। दूसरा, अगर ट्रेडर को लगता है कि मार्केट बुलिश है या कोई पर्टिकुलर स्टॉक अप डायरेक्शन में जाएगा तो उसका वो कॉल बाय कर देगा या पुट सेल कर देगा। पुट बाय और कॉल सेल में डिफरेंस क्या है? अगर कोई ट्रेडर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय करता है तो वो 20,000 तक में पूरे के पूरा निफ्टी का लॉट का पुट बाय कर सकता है, लेकिन अगर उसे कॉल सेल करनी है तो उसको मार्जिन मनी देनी होगी, वो अराउंड 1.5 लाख होगी निफ्टी के लॉट के लिए। ऐसे ही अदर कोई भी अगर शेयर लेंगे तो उनके लिए जो मार्जिन मनी है या पुट बाय की वैल्यू है वो अलग डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो जो पुट बाय करने के लिए उसको जो अमाउंट चाहिएगा वो कुछ हजार रुपये चाहिएगा, 10 से 20 हजार रुपये, लेकिन उसे उसी की कॉल सेल करने के लिए 1.5, 2 लाख, 3 लाख काइंड ऑफ अमाउंट चाहिएगा। तो पहली चीज तो हो गई, उसको पुट बाय करने में अमाउंट कम पे करना पड़ता है जबकि कॉल सेल करने में अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ता है। दूसरा जो टेक्निकल डिफरेंस है, अगर वो पुट बाय करता है तो स्लोली स्लोली मूव करेंगे हम लोग एक्सपायरी की तरफ, तो प्रीमियम डिके होता है। इट्स काइंड ऑफ, यू कैन टेक इट एज एग्जांपल ऑफ लीकी बकेट। जो पुट बाय होगा वो लीकी बकेट की तरह काम करता रहेगा। फॉर एग्जांपल आज की डेट में निफ्टी का एक लॉट पर यूनिट 100 रुपीज है तो पूरे लॉट 7,500 रुपए में आ जाएगा, लेकिन अगर मार्केट मूव नहीं करता है, निफ्टी 11,500 पे है, अगर वो 11,500 के आसपास ही रहता है तो भी एक्सपायरी के पास जाते जाते जो उसने पुट बाय किया था 100 रुपीज में उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और वो हो सकता है वो एक्सपायरी पे जीरो हो जाए। तो ये सबसे बड़ा लॉस है पुट बाय करने में कि जो टाइम होता है वो आपके अगेंस्ट चलता है, लेकिन कॉल सेल करने के केस में वो आपके फेवर में हो जाता है। कहते कि आपने जो कॉल सेल किया था उस समय वो 100 रुपये का कॉल सेल किया था, अगर वो धीरे धीरे उसका मार्केट का कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता है और वो 100 रुपये की कॉल की वैल्यू घट के जीरो हो जाती है तो आपको वो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी आपको 100 रुपये पर यूनिट मीन्स 7,500 रुपये आपको कॉल सेल से मिल जाते हैं। अगर आप कॉल बाय करते हैं तो वही आप 7-8 हजार रुपये में बाय कर लेते हैं, लेकिन पुट सेल करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये देना पड़ता है। अगर मार्केट मूव ना हो तो जो कॉल राइटर होते हैं या पुट राइटर होते हैं उनको हमेशा प्रॉफिट होता है, लेकिन मार्केट अगर उनकी डायरेक्शन के अपोजिट मूव हो जाए तभी उनको लॉस होता है। लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट में ऐसा देखा गया है जो कॉल और पुट राइटर होते हैं उनको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि पुट और कॉल जो बायर्स होते हैं उनको
लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऑप्शंस को समझने के लिए इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हमें समझना होगा, तभी हम इसको प्रॉपर से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हैं या किस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम बाय या सेल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने ज़ीरोधा से दो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं निफ्टी के अलग अलग ऑप्शंस के, सितंबर मंथ की एक्सपायरी के। इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो रहता है वो स्टॉक या इंडाइसेस, जो भी आप ऑप्शन बाय करना चाहते हैं उसका नेम रहता है, जैसे ही मैंने यहाँ निफ्टी का लिया हुआ है। नेक्स्ट इज एक्सपायरी, ये ऑप्शन कब एक्सपायर होने वाला है, तो इसकी वीकली एक्सपायरी भी होती है प्लस मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 सितंबर इज एक्सपायरी डेट, दूसरी एक्सपायरी है इसकी 17 सितंबर की, और जो मंथली एक्सपायरी वाला होगा उसमें डेट नहीं मेंशन होगा, तो ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को ये कॉल ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। थर्ड वन इज द स्ट्राइक प्राइस, आपको किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेना है या पुट ऑप्शन लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं 11,550 इज द स्ट्राइक प्राइस विच इज ऑलमोस्ट एट द मनी। एट द मनी मीन्स निफ्टी की जो स्पॉट प्राइस है उसी के लगभग ये प्राइस है, तो इसको एट द मनी बोलते हैं। फोर्थ इज कॉल या पुट, आपको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। तो ये चार पैरामीटर हैं जिससे आपको कॉल या पुट को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन से कॉल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द प्राइस, कि उस पर्टिकुलर कॉल का या ऑप्शन पुट का प्राइस क्या है। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि ये मैंने स्क्रीनशॉट 10th ऑफ सितंबर को लिया हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे कॉल में भी रिडक्शन हुआ है, -97.96% रिडक्शन हुआ है, और पुट में भी -59.93% रिडक्शन हुआ है। डिस्पाइट ऑफ मार्केट मूवमेंट, वो अप है या डाउन है, कॉल और पुट दोनों का ही प्राइस नीचे आ गया है। हम देख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी हम लोगों को प्रीमियम का लॉस होता है, जिसका फायदा कॉल और पुट राइटर उठाते हैं। तो इसलिए कॉल और पुट जो बायर्स होते हैं उनके लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने 3 एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन और 3 एक्सपायरी के पुट ऑप्शन यहाँ एज ए एग्जाम्पल लिए हुए हैं, हर ऑप्शन की प्राइस अलग अलग है और एक्सपायरी भी अलग अलग है। तो इस तरीके से ये एट्रीब्यूट्स आपको हेल्प करेंगे कॉल और पुट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन एब्रीविएशन, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो ऑप्शन प्राइस पर यूनिट है 123 रुपीज, आप अगर इस कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं 11,550 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं, तो आपको 123 रुपीज एज अ प्रीमियम पे करना होगा। इस केस में जो आपका लॉस होगा वो मैक्सिमम 123 होगा अगर आप इस कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, लेकिन अगर आप जो कॉल ऑप्शन अगर इसे राइट करेंगे या सेल करेंगे कॉल ऑप्शन, तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम 123 हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो सकती है मिनिमम। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम 123 पर यूनिट होगा, लेकिन जो आपका लॉस होगा वो अनलिमिटेड होगा। जो आपको इसके लिए मार्जिन रिक्वायर्ड होगा अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, केवल 9,225 रुपीज़ में आप इसका कॉल बाय कर सकते हैं, आपको बहुत ही कम अमाउंट देके इसका कॉल बाय कर सकते हैं, जबकि आप इसका अगर कॉल राइट करते तो आपको अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ पे करने पड़ते। इसका जो निफ्टी का लॉट साइज है वो 75 है, मीन्स आप एक सिंगल ऑप्शन बाय नहीं कर सकते, आपको इसको 75 के मल्टीपल्स में ही बाय करना पड़ेगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक ले रहे हैं तो उसके लिए वो लॉट साइज अलग अलग होगा, जैसे रिलायंस अगर आप बाय करते हैं तो उसके लिए आई थिंक 500 स्टॉक्स का लॉट साइज है, तो हर स्टॉक का लॉट साइज अलग अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा पे करना पड़ेगा। लोग कॉल और पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। अगर आप देखेंगे फ्यूचर की, अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें, एट प्रेजेंट जो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है वो 11,467 है, 75 का लॉट है। अगर आपको टोटल कॉस्ट देखते हैं तो 8,60,000 आपको पे करने होते हैं, लेकिन अगर आप इसी का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आप केवल 9,225 रुपीज़ दे के आप पूरे लॉट के मालिक बन जाते हैं, जिसमें आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड है, वो 9,225 ही हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी जीरो हो सकती है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। अगर आपकी डायरेक्शन में मीन्स मार्केट बुलिश रहता है, निफ्टी आगे जाता है, मीन्स
टुवर्ड्स 12,000 मूव करता है तो आपका ये कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसे फ्यूचर से कंपेयर कर रहे हैं तो फ्यूचर में अगर आप इसको बाय करते तो वहाँ आपको 1,44,447 रुपीज एज ए मार्जिन मनी देना पड़ता जो कि कॉल ऑप्शंस के कंपेटिटिव काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसमें प्रीमियम अमाउंट काफ़ी कम देना पड़ता है, इसलिए लोग इसे प्रेफर करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक। एज आई एक्सप्लेन टाइम वर्क अगेंस्ट यू मीन्स जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा आपके जो प्रीमियम है वो कम होता जाएगा। अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो भी आपका प्रीमियम कम होता जाएगा, तो कॉल और पुट दोनों में आपको लॉस हो सकता है अगर मार्केट का मूवमेंट ज्यादा ना हो तो। सेकेंडली यू स्पेंड द प्रीमियम, योर लॉस विल बी लिमिटेड टू प्रीमियम स्पेंड बट द प्रॉफिट विल बी द मैक्सिमम और अनलिमिटेड। गेन आर अनलिमिटेड वाइल द लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम अमाउंट यू पे। व्हेन यू बाय अ ऑप्शन टाइम डीके वैल्यू अगेंस्ट यू मीन्स स्लोली स्लोली जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाएंगे तो टाइम डिके की वजह से आपके प्रीमियम का प्राइस कम होता जाएगा। वाइल इफ यू सेल द ऑप्शन टाइम डिकेइंग वैल्यू इज इन योर फेवर मीन्स टाइम डिके के साथ प्रीमियम कम होता जाएगा जो आपके लिए पॉजिटिव है। आप यहां देखेंगे मैं जैसे ही निफ्टी टाइप करता हूं तो ये निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शन देता है प्लस कॉल ऑप्शन, ये सी मीन्स कॉल ऑप्शन दे रहा है सेप्टेम्बर मंथ के। ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के लाइक 5200 5300 इस तरीके से 100 के डिफरेंस पे सारे स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन देना है, लेकिन मेरे को लगभग अगर इसकी प्राइस का ही कॉल ऑप्शन लेना है तो मैं इस तरीके से टाइप करूंगा तो मेरे को यहाँ 11,500 का बोथ सी एंड पी का ऑप्शन ये ऑफर कर रहा है तो मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको बाय करना चाहूँ तो मेरे को जो मार्जिन मनी होगा वो 10,245 रुपीज़ पे करना होगा एक लॉट के लिए। ऑन अदर वे अराउंड अगर मैं इसे सेल करना चाहूँ तो मेरे को जो इसका मार्जिन मनी जो पे करना पड़ेगा वो 1,31,678 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पे जो मेरा रिस्क है वो मैक्सिमम, अगर मैं ये कॉल बाय करता हूँ तो 10,245 रुपीज़ है, लेकिन अगर ये कॉल मैं सेल करता हूँ तो मेरा रिस्क अनलिमिटेड है। अब दोस्तों मैं आपको NSE की वेबसाइट पे लेके चलूँगा जहाँ आप इसको और बेटर तरीके से समझ सकेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे NSE की वेबसाइट में 11,450 अगर मैं देखूंगा ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। 17 सितंबर एक्सपायरी का ऑप्शन है, यहाँ आप इसे कोई भी एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट एक्सपायरीज अवेलेबल एंड यहाँ से आप कोई भी प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन की डिटेल देखनी है। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको इंडाइसेस की ऑप्शन चेन को देखना है या किसी पर्टिकुलर स्टॉक की ऑप्शन चेन को देखना है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस से लोअर प्राइस के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको इन द मनी ऑप्शंस कहते हैं फॉर द कॉल, सॉरी निफ्टी के स्पॉट प्राइस के इक्वल अमाउंट के जो ऑप्शन होंगे उसको एट द मनी कहेंगे, और जो निफ्टी के स्पॉट प्राइस जो कि 11,450 है उससे ज़्यादा वैल्यू के अगर आप ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस देखेंगे इनको आउट ऑफ द मनी कहेंगे। इसके अपोजिट पुट में इसका जो स्पॉट प्राइस है निफ्टी का 11,450 इससे जो ज़्यादा प्राइस के जितने भी पुट ऑप्शन है उनको इन द मनी ऑप्शंस कहेंगे, जो स्पॉट प्राइस है 11,450 उसको एट द मनी कहेंगे, और जो इससे कम प्राइस के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहेंगे। आई होप आपको ये ऑप्शन चेंज समझ में आई होगी। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इसके फर्दर डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक्स वो हैं ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशियो, एम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट बाय कोरिलेटिंग PCR, OI एंड IV। दोस्तों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है तो इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो बार बार देखना होगा ताकि आप इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ सकें और उनको कोरिलेट कर सकें। मैं इसका एक सबसिक्वेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिफाइन करेंगे किस तरीके से PCR, OI और IV को कोरिलेट करके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर डिटेल्स ऑफ ऑप्शन चेन। थैंक यू।